हे गाइस, वेलकम टू फूडी शार्क। और आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट कपकेक्स। तो इसके आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले सो गाइस, अब जो भी मेरे मेजरमेंट्स देख रहे हैं कप्स के या टीस्पून्स के, वो स्टैंडर्ड बेकिंग के मेजरिंग कप से ही लिए गए हैं। और आप भी ऐसा ही करें, एक्सेप्ट फॉर ये कॉफ़ी जो मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा सारे मेजरमेंट्स मेजरिंग कप से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम वेट इन्ग्रीडियंट्स ले लेते हैं। एग को आप अच्छे से विस्क करेंगे गाइस, और उसमें आप एक कप शुगर डालेंगे। शुगर हमारी जो घर पे पड़ी हुई शुगर होती है, उसे बस मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर लीजिए, वो डाल दीजिए। इसमें हम 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे और इसे एकदम अच्छे से फेंटेंगे। फिर डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और इसे भी अच्छे से फेंटेंगे। और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके वेट इंग्रेडिएंट्स में एक साथ ही डालेंगे इस बार, और धीरे धीरे विस्क करेंगे। इस पॉइंट पे आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा, बट डोंट वरी, क्योंकि इसमें अभी हम डालेंगे 1 कप वार्म वाटर और धीरे धीरे आपको विस्क करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो फिर आप लो स्पीड पे करेंगे, और अगर हैंड विस्कर है तो भी आपको धीरे धीरे ही करना है, पर थोड़ा सा समय लगेगा, दैट्स ऑल। अब इस पॉइंट पे आपको जो बैटर है वो थोड़ा सा रनी हो जाएगा, और यही रनी बैटर आपको यूज़ करना है कपकेक्स बनाने के लिए। को 15 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करना बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। उसके बाद हम हमारे कपकेक्स 40 मिनट्स के लिए 160 डिग्रीज पे बेक करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट कपकेक्स रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं हमारा डिलीशियस चॉकलेट बटर क्रीम। इसके लिए हम ले लेंगे 100 ग्राम्स बटर जो रूम टेम्परेचर पे है, याद रखिए। और आप इसके नीचे एक चिल्ड वाटर का बोल रख सकते हैं अगर बहुत ही हॉट है टेम्परेचर तो। उसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/2 कप कोको पाउडर, 400 ग्राम्स आइसिंग शुगर ही डालना है गाइस। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आइसिंग शुगर को छानना यानी सीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी जो पाइपिंग बैग है उसमें से बटर क्रीम अच्छे से पाइप नहीं होगा। आइसिंग शुगर को आप इंटरवल्स में डालेंगे, एक साथ आप नहीं डालेंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डाल के बीट करेंगे। उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून क्रीम लिया है, आप मिल्क भी ले सकते हैं, और मिल्क की जो क्वांटिटी है वो 1 या 2 टेबलस्पून से बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से। दूसरी चीज़, आइसिंग शुगर की भी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं गाइस, आपके टेस्ट के हिसाब से। सो दैट्स ऑल। देखिए, हमारा चॉकलेट बटर क्रीम रेडी है और अभी हम इसे पाइप करेंगे। मैंने इसे एकदम ही रस्टिक लुक देने की कोशिश की है। इसको मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा डेकोरेट करूँ, क्योंकि मैंने इसमें कुछ गोल्ड फ्लेक्स यूज़ किए हैं डेकोरेट करने के लिए, और मुझे ऐसे ही इसे थोड़ा क्लासिक और सिंपल रखना था गाइस। आप चाहे तो आपको जो पसंद की आपके डिज़ाइन है आप ज़रूर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा स्पून लिया है और उससे ही मैं बाहर से स्वर्ल्स देने की कोशिश कर रही थी, कुछ इस तरह। इसके बाद मैं और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी। एकदम थोड़ा सा सॉल्ट लेना है और थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना है, बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं करना है, नहीं तो बहुत सॉल्टी हो जाएगा।
अब देखिए ये पॉइंट पे मैंने 24 कैरेट गोल्ड का गोल्ड फ्लेक्स लिए थे क्योंकि मैं जिनके लिए बना रही थी उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी थी और मैं चाहती थी मैं इसको थोड़ा सा फेस्टिव लुक दूँ। और आप देख सकते हैं मैंने हार्ट शेप्ड स्प्रिंकल्स ऑलरेडी यूज़ किए हैं और गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स भी यूज़ किए हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, हमारे कपकेक्स रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एंड आई होप गाइस यू लाइक द वे आई मेड दिस कपकेक्स, एंड इफ़ येस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।